होस्ट हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो एक चैटी सा वीडियो है। टाइटल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो क्योंकि एक चैटी वीडियो है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूँगी टू ग्रैब सम ड्रिंक और फूड और इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अगर मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं सो यू मस्ट नो दैट मैं मलेशिया में रहती हूँ। और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि लास्ट 3 ईयर्स से मैं और मेरे हस्बैंड मलेशिया में रहते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियंस। तो नॉट ओनली फॉर इंडियंस, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया से भी बहुत सारे लोग थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया घूमने आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं शेयर करूं कि कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स जो कि एज अ टूरिस्ट आप लोगों को बहुत काम आएगा और आपको कोई टूर एजेंट या किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आपका जो टूर है आप खुद से वो प्लान कर सकते हो, एटलीस्ट स्पेशली फॉर मलेशिया एज आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो मेरे लिए थोड़ी ईजी होगा, ऐसा नहीं बोलूंगी दैट आई नो एवरीथिंग, बट जितना मुझे पता है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि यू कैन ट्रैवल इन मलेशिया एज ए लोकल नॉट अ टूरिस्ट। इस वीडियो को मैं दो हिस्से में पोस्ट करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं पोस्ट करने वाली कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो एज ए टूरिस्ट मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कहीं पे घूमने जाने का प्लान जब भी होता है। और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें शेयर करूंगी कौन कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। बहुत बार होता है कि हमारा जो प्लान शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से बहुत सारी जगह हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन आप अगर मलेशिया कुआलालंपुर आ रहे हैं तो वो सारी जगह आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। तो वो मैं सेकंड पार्ट में पोस्ट करूँगी। सो डेफिनेटली दोनों पार्ट ही चेक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक करके देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इसका पार्ट टू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर अगर घूमने जाने का अगर हम प्लान करते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, स्पेशली लाइक जब हम लोग अब्रॉड घूमने जाने का प्लान करते हैं, वो है वीज़ा। मलेशिया का जो वीज़ा प्रोसीडियर है, टूरिस्ट वीज़ा प्रोसीडियर, वो चेंज होता रहता है विद टाइम। लाइक कभी कभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी आपको इन फिजिकल जाके अप्लाई करना पड़ता है और कभी कभी ई वीज़ा भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा वेबसाइट में, उन लोगों का वेबसाइट है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। डेफिनेटली आप बाहर से चेक कर सकते हैं कि करंट क्या स्टेटस चल रहा है अभी वीज़ा एप्लीकेशन का। बट जो भी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा एक वीज़ा प्रोसीडियर है जो आप खुद से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हमारे दिमाग में आता है वो है करेंसी। तो मलेशिया में सिर्फ और सिर्फ मलेशियन रिंगेट ही चलता है, कोई और करेंसी नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं बोलना चाहती हूँ वो है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड का जो फंडा है, सिम कार्ड तो हमें चाहिए क्योंकि लाइक होटल में या फिर किसी टूरिस्ट स्पॉट में आपको या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में फ्री वाईफाई मिल जाएगा। बट मोस्टली कहीं पे ट्रैवल करना है, कुछ आपको मैप्स वगैरह चेक करना है, उस टाइम पे तो डेटा चाहिए होता है, मोबाइल डेटा। तो इन द केस ऑफ सिम कार्ड मैं बोलूँगी यहाँ पे आके आप सिम कार्ड लीजिए। मतलब कि मलेशिया में सिटी में कुआलालंपुर सिटी या फिर आप कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे लीजिए, इंडिया या फिर आपका जो डिपर्चर एयरपोर्ट है वहाँ से मत लीजिए कोई भी सिम, या फिर मलेशिया एयरपोर्ट मतलब कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी मत लीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि एयरपोर्ट में थोड़ा कॉस्टली होता है। यहाँ पे 7-Eleven या फिर MyNews.com ये सारे जो शॉप्स हैं एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स में आपको ये मिल जाएंगे और बहुत आसानी से ये सारे प्लेसेस में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। सिर्फ आपको वीज़ा और उसका जेरोक्स देना होता है और इंस्टेंट एक्टिवेशन 10 रिंगेट मिनिमम लेता है और उसमें डेटा भी होता है और थोड़ा बहुत टॉक टाइम भी मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है और इंस्टेंट एक्टिवेट भी हो जाती है, सबसे अच्छी बात है। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ भी सिम कार्ड लेना है सो आप शहर में लीजिए, एयरपोर्ट में थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाई
फ्रॉम एयरपोर्ट। तो जो नेक्स्ट चीजें मैं बोलने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि कैसे सिटी में आए एयरपोर्ट से, अगर आप जिस होटल में रहने का आपने बुक किया है, एक ऑप्शन होता है कि वो लोग खुद आपको कार भेज दे पिकअप के लिए, अदरवाइज गेल आइए। सिटी में आने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बाई ट्रेन। केल आइए एक्सप्रेस और केल आइए ट्रांजिट, ये दोनों ट्रेन के लिए जो एयरपोर्ट है वहाँ आपसे छोड़ते हैं। के साथ साथ अगर आप यहाँ पे जैसे इंडिया में ओला उबेर ऐसे जो ऐप चलते हैं कैब ऐप्स, यहाँ पे ग्रैब चलता है बहुत अच्छे से, और उसके साथ साथ माई कार जो है ये और एक नया लॉन्च किया है, एक ऐप है जैसे जिसपे आप कैब बुक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो। और मीटर टैक्सी तो है ही, दैट इज द मीन्स हम सबका फेवरेट जो सबसे कॉमन वाला जो ऑप्शन है मीटर टैक्सी ऑब्वियसली, और बसेस भी चलते हैं। पॉइंट है वो है होटल बुकिंग। तो आप कोशिश करना जो आपका होटल है वो KLCC के आसपास हो, नहीं तो KL सेंट्रल के आसपास, क्योंकि वो जो प्लेसेस है मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दोनों, मतलब सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है उसी के आसपास है। तो आपको और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। सो KLCC एंड KL सेंट्रल बोथ आर वेल कनेक्टेड। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सिटी टूर। विद इन सिटी हम कैसे घूमें, क्या क्या कैसे टूरिस्ट स्पॉट्स में जाए, तो उसके लिए जो चीज़ सबसे पहले मतलब हमारे दिमाग में आता है वो है कैब, दैट इज वन ऑफ द मेजर ऑप्शंस। ग्रैब है अगेन, माई कार, ये दोनों कैब का ऑप्शन तो है ही। और उसके साथ यहाँ पे चलते हैं फ्री बसेस, जिसको बोलते हैं गो केएल, जिसका साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे मेजर टूरिस्ट कुआलालंपुर सिटी में सिर्फ ये चलता है। तो सिटी सेंटर का जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सब कुछ इससे कवर हो जाते हैं। तो आप उनका साइट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन से जगह ये लोग कवर करते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री बस सर्विस, और सिर्फ टूरिस्ट के लिए। अगर आप डबल डेकर बस में घूमना चाहते हैं, थोड़ा हाइट्स सिटी को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जो कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उनके साइट से चेक कर सकते हैं। तो वो जो बस है वो स्पेशली इज फॉर टूरिस्ट, उन लोगों का बहुत सारे पैकेजेस है, लाइक सिर्फ सिटी टूर का पैकेज है, या फिर आप अगर सिटी के बाहर कहीं थोड़ा थोड़ा बाहर कहीं पे घूमने का प्लान है, लाइक पुत्रजया, बाटू केव्स, ये सारे पे अगर आपको जाना है तो उनका भी अलग से प्लान है। तो आप अपने कन्वीनियंट प्लान आसानी से चूज कर सकते नेक्स्ट हैं। एंड जो दैट मुझे बात करनी है वो है रिगार्डिंग शॉपिंग। साउथ ईस्ट एशिया इज फेमस फॉर इट्स मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशंस। तो शॉपिंग के लिए मेनली जो लोग जाते हैं वो है पैवलियन, दैट इज इन KLCC, लाइक द मेन सेंट्रल पुश सेंटर ऑफ द सिटी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉस्टली है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो जगह के हिसाब से थोड़ी मुझे कॉस्टली लगे कंपेयर टू अदर मॉल्स इन मलेशिया। तो अगर हाफ डे भी आपके पास टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप या फिर वन उतामा जाइए, उसका एक डिटेल टूर मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, आई विल डेफिनेटली लिंक इट अप। और नहीं तो आप सानवे पिरामिड जा सकते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा लाइक सेकेंड बिगेस्ट मॉल है, और उसके साथ एक वाटर पार्क भी है, थीम पार्क, जैसे सानवे लगून बोलते हैं इसको। तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा अगर आपको थीम पार्क जाना है, अगर नहीं तो आपको सिर्फ शॉपिंग करनी है तो फिर शॉपिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उसमें सानवे लगून में, जैसे मेरा फेवरेट है वो है स्केटिंग, और वन उतामा में है एयर राइडर है, और फिर आप डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं मॉल में के अंदर ही आउटडोर एक्टिविटीज़। तो ये सब कुछ भी है। तो एट द सेम टाइम कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड या फिर किड्स वो लोग बोर नहीं होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस है। अगर आप हाफ डे टाइम निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि गो दोज प्लेसेस इंस्टेड ऑफ जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे चीज़ों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता ही है। तो ये है शॉपिंग का ऑप्शन। और एक है जो मैं आपको एकदम ही मना करूँगी जाने के लिए, दैट इज़ लोहिया प्लाजा। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिक, इट्स लाइक अ मॉल विच इज़ फुल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स
चीज़ें, लाइक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको छोटे मोटे लाइक पेन ड्राइव लेना है, हार्ड डिस्क लेना है, कोई ट्राईपॉड लेना है, या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे चिट चैट्स, ईयर हेड वगैरह, ये सब कुछ लेना है, तो उसके लिए दैट प्लेस इज़ ओके। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट बड़े चीज़ों के लिए कैमरा लेना है, या फिर लैपटॉप खरीदनी है, या फिर कुछ कुछ महंगा चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, तो मैं वो मॉल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो जगह थोड़ा, वो लोग थोड़ा चीट होने का चांसेस रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है उस जगह के साथ, तो चीट होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे। अदरवाइज लाखों मॉल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, तो आप कहीं पे भी जाके खरीद सकते हैं। लेकिन वो वाला मॉल थोड़ी मैं बोलूँगी, इफ इट इज़ पॉसिबल डोंट बाई, कि ज़्यादा इन्वेस्ट करके चीज़ें वहाँ से मत लीजिए। और एक चीज़ उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से, तो आपका जो शॉपिंग का जो बिल है वो रख दीजिए आप, क्योंकि आपका जो आप GST पे करेंगे एयरपोर्ट में, जब आप इफ़ यू आर इन टूरिस्ट वीज़ा, और आप जब कंट्री एग्जिट कर रहे हो, अगर आप एयरपोर्ट या फिर कहीं जब भी आप जहाँ से भी आप कंट्री एग्जिट कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप दिखाओगे तो आपको GST रिफंड मिल जाएगा। जो भी एज ए टैक्स आपने पे किया है मलेशिया में, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू कीप योर बिल्स विद यू। आप जो भी यहाँ से खरीद रहे हैं उसका बिल रख दीजिए आपके साथ, तो कि आप दिखा सकते हैं और आपका GST रिटर्न मिल जाएगा। शॉपिंग के बारे में छोटू सा एक ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेदर। यस, ट्रॉपिकल कंट्री है मलेशिया, सो यहाँ का वेदर साल भर एक ही जैसे है, गर्म या फिर बारिश। तो डेफिनेटली इन बोथ केसेस जो चीज़ आपको बहुत काम आएगी वो है अम्ब्रेला। तो आप जब कभी भी यहाँ पे आए, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अम्ब्रेला, धूप में भी काम आता है और बारिश में भी। सो माई लास्ट पॉइंट जिसके साथ मैं मेरा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म करूँगी, वो है फूड। मलेशिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको भर भर के मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत इंडियंस रहते हैं यहाँ पे। और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोकल फूड, जो लोकल क्यूजिन है, वो भी बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इफ एंड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी टू गो एंड विजिट द प्लेस, वो है फूड स्ट्रीट, जो कि है बुकिट बिंगतांग में, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के, बहुत वैरायटी के फूड मिल जाएंगे। यू कैन डेफिनेटली हैव देयर, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू हैव, एटलीस्ट यू कैन चेक इट आउट। बहुत ही आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो तो प्लेस। इसी के साथ साथ मेरा जो ये पार्ट वन है वो ख़त्म होता है, और पार्ट टू में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसा प्लेसेस जो मेरे बहुत फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर विजिटिंग कुआलालंपुर और मलेशिया, तो आपको ज़रूर बहुत सारी जगह पे जाना चाहिए। तो वो सारी प्लेसेस क्या है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड